देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस उनके घर लाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह व पुलिस अधीक्षक सुनीते ने अनंतराम टोल प्लाजा पहुंचकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि आज देर रात राजस्थान से 120 श्रमिक जनपद में आने वाले हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी खनन निरीक्षक मनोज कुमार को निर्देश दिए कि जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं उनकी रजिस्टर में एंट्री की जाए एवं साथ ही वह स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए व संबंधित तहसील में बने क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए। यदि किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो उसका सैंपल टेस्टिंग हेतु भेजा जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने गोविंद नगर की राशन उचित दर की दुकान का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने राशन वितरण के संबंध में कोटेदार से कोटे के बारे में जानकारी ली, जिस पर कोटेदार ने बताया कि आज अभी तक कुल 135 कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कोटेदार को निर्देश दिए कि राशन वितरण के दौरान भीड़ इकट्ठी न हो, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जाए, कार्ड धारकों के हाथ साबुन से धुलवा कर ही ई पोस मशीन पर अंगूठा लगवाया जाए। जिलाधिकारी ने ईसा वाटिका गेस्ट हाउस पहुंचकर क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों का हालचाल जाना एवं पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा न होने दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। और अय्या से संवाददाता एस के यादव की खास रिपोर्ट।